कांग्रेस की गवर्नमेंट चल रही है। अब वहां पर लॉन्ग टाइम से कांग्रेस की गवर्नमेंट चल रही है। अब ये देवीलाल जी ने जो है एक पार्टी बनाई है, एक ऑपोजिशन को लेकर उसने अपनी एक पार्टी बनाई है, जिसका उन्होंने मूवमेंट का नाम रखा है न्याय युद्ध। अब वो लोगों के पास में जा जाकर ये मैसेज दे रहे हैं, ये पोर्टफोलियो दे रहे हैं कि अगर उनकी पार्टी गवर्नमेंट बनाती है या उनकी पार्टी की सरकार आती है, तो वो किसानों का और छोटे बिजनेसमैनों का कर्ज जो है वो उनकी गवर्नमेंट माफ कर देगी। देखो, कोई भी पार्टी जब इलेक्शंस लड़ने के लिए आती है तो उसका एक मेन एजेंडा होता है, एक इलेक्शन पोर्टफोलियो होता है जिसके आधार पर वो इलेक्शंस लड़ती है। कोई भी पार्टी जब इलेक्शन का प्रचार करती है तो उसके पास एक पोर्टफोलियो होता है जिसमें वो दिखाती है लोगों को कि पिछली सरकार ने क्या नहीं किया, उनकी गवर्नमेंट आएगी तो वो लोगों के लिए क्या काम करेगी, उनके भले के लिए क्या करेगी, क्या न्यू पॉलिसीज है उस पार्टी की। ये सारा जो होता है वो उस पार्टी का जो है पोर्टफोलियो होता है जिसको वो लोगों के सामने में रखती है, और उसी के बेस पे जो है वो जो है तुम्हारा वोट मांगती है। तो इस तरीके से जो है हर पार्टी का अपना जो है वो एक पोर्टफोलियो होता है जिसे लेकर वो चलती है। द पीपल वेर अनहैप्पी विद द एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट, दे वेर ऑल्सो अट्रैक्टेड बाय देवीलाल प्रॉमिस, सो वेन इलेक्शंस वेर हेल्ड दे वोटेड ओवरवेलमिंगली इन फेवर ऑफ लोकदल एंड इट्स एलाइज। लोकदल एंड इट्स पार्टनर वोन 76 आउट ऑफ 90 सीट्स इन द स्टेट असेंबली। लोकदल अलोन won 66 and thus had a clear majority in the assembly. The Congress could win only 5 seats. और इसी आधार पर जो है उनकी पार्टी जो है वो मेजोरिटी सीट जीत कर आई और कांग्रेस को मात्र 5 सीट मिली, और उनकी पार्टी जो है अब बिल्कुल सक्षम थी हरियाणा में अपना सरकार, अपना गवर्नमेंट बनाने के लिए। Once the election results were announced, the sitting chief minister resigned. The newly elected members of Legislative Assembly, MLAs of Lok Dal, choose Devilal as their leader. The governor invited Devilal to be the new chief minister. तो अब क्योंकि कांग्रेस पार्टी हार चुकी थी, इसलिए वहां के जो पूर्व सीएम थे, चीफ मिनिस्टर थे, उनको रिजाइन करना पड़ा, और अब जो है देवीलाल जो है वो नई पार्टी के लीडर प्लस नई पार्टी के तरफ से अब नए चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट के तरफ से बनने के लिए आए। हिज गवर्नमेंट इश्यूड ए गवर्नमेंट ऑर्डर वेविंग द आउटस्टैंडिंग लोन्स ऑफ स्मॉल फार्मर्स, एग्रीकल्चर लेबर, स्मॉल बिजनेसमैन। और जैसा कि उन्होंने अपना इलेक्शन पोर्टफोलियो में रखा था कि उनकी पार्टी की सरकार बनते ही वो किसानों का और छोटे बिजनेसमैन का कर्ज माफ कर देंगे, उन्होंने बाकायदा उस ऑर्डर को पास करवाया और किसानों का और छोटे जो बिजनेसमैन होते थे, जैसे किराने की दुकान चला रहा है, कोई फल फ्रूट सब्जी की दुकान चला रहे हैं, ऐसे छोटे बिजनेसमैन लोगों का जो है उसने कर्ज जो है वो माफ करा दिया। हिज पार्टी रूल्ड द स्टेट फॉर 4 इयर्स। द नेक्स्ट इलेक्शंस वर हेल्ड इन 1991, बट दिस टाइम हिज पार्टी डिड नॉट विन पॉपुलर सपोर्ट। द कांग्रेस वॉन द इलेक्शन एंड फॉर्म द गवर्नमेंट। लेकिन उन्होंने अपना कार्यकाल किया, 5 साल अपने सरकार अपनी गवर्नमेंट में पूरे किए उन्होंने। अब जब री इलेक्शन आई तो वापिस उनकी पार्टी हार गई और वापिस जो है वहां पर एक बार फिर से कांग्रेस की सरकार बन गई। क्यों? क्योंकि लोगों को लगा होगा कि जो वादे उन्होंने किए थे, जो उन्होंने पोर्टफोलियो बनाए थे, उस मैंडेट पे वो खरे नहीं उतरे, उस हिसाब से जो है उन्होंने काम नहीं किया, इसीलिए लोगों ने जो है वहां पर उस गवर्नमेंट को हटा दिया और फिर वापस नई सरकार कांग्रेस की उन्होंने चुन ली। तो ये था एक एग्जाम्पल हरियाणा का। अब पेज नंबर 36 में क्वेश्चन दिया है कि व्हाई डू वी नीड इलेक्शंस, कि इलेक्शंस की जरूरत क्यों है और इलेक्शंस का पर्पस क्या है। इलेक्शंस टेक प्लेस रेगुलरली इन एनी डेमोक्रेसी। देयर आर मोर देन 100 कंट्रीज इन द वर्ल्ड इन विच इलेक्शन टेक प्लेस टू चूज पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव।
इलेक्शन इसीलिए जरूरी है कि इलेक्शन ही एकमात्र माध्यम है लोगों का या लोगों के पास में अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनने का। तो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनने का जो लोगों के पास एकमात्र अधिकार है वो है थ्रू वोट, इसीलिए जो है वोटिंग जो है वो जरूरी है। वी ऑल्सो रेड दैट इलेक्शंस आर हेल्ड इन मेनी कंट्रीज दैट आर नॉट डेमोक्रेटिक, बट वाई डू वी नीड इलेक्शन? लेट अस ट्राई टू इमेजिन ए डेमोक्रेसी विदाउट इलेक्शन। ए रूल ऑफ द पीपल इज पॉसिबल विदाउट एनी इलेक्शन इफ ऑल द पीपल कैन सिट टूगेदर एवरी डे एंड टेक ऑल द डिसीजन। ये इलेक्शन के बिना गवर्नमेंट की वर्किंग तभी हो सकती है जब सारे के सारे लोग बैठकर और दिनचर्या के गवर्नमेंट के डिसीजंस लें। हम सब जो है वो गवर्नमेंट में नहीं बैठ सकते क्योंकि हम सबकी अपनी लाइबिलिटीज हैं, अपनी जिम्मेदारियां हैं, हमारे वर्क है अपने, हमको हमारा परिवार चलाना है, हमारा घर चलाना है। तो सबकी अलग अलग लाइबिलिटीज और सबकी अलग अलग रेस्पॉन्सिबिलिटीज है। तो इस वजह से हम हर एक व्यक्ति जो है वो गवर्नमेंट में जाकर नहीं बैठ सकते। इसीलिए जो है हम अपने बीच से एक रिप्रेजेंटेटिव को चुनकर भेजते हैं जो हमारे हक में, हमारे बिहाफ में और हमारे फेवर में गवर्नमेंट के सामने बात रख सके और डिसीजंस को ले सके। और उस रिप्रेजेंटेटिव को चुनने के लिए जो है वो सिर्फ एकमात्र माध्यम है इलेक्शंस। ये पॉसिबल है सिर्फ इलेक्शंस के द्वारा ही कि हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनकर जो है वो गवर्नमेंट में भेजें। इन चैप्टर वन दिस इज नॉट पॉसिबल एनी लार्ज कम्युनिटी नॉर इज इट पॉसिबल फॉर एनीवन टू हैव द टाइम एंड नॉलेज टू टेक डिसीजंस ऑन ऑल मैटर। देयरफॉर इन मोस्ट डेमोक्रेसीज पीपल रूल थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव। इन द डेमोक्रेटिक वे ऑफ सिलेक्टिंग रिप्रेजेंटेटिव्स विदाउट इलेक्शंस लेट अस थिंक ऑफ ए प्लेस वेयर रिप्रेजेंटेटिव्स आर सिलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ एज एंड एक्सपीरियंस और ए प्लेस वेयर दे आर चूजन ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशन और नॉलेज। देयर कुड बी सम डिफिकल्टी इन डिसाइडिंग ऑन हु इज मोर एक्सपीरियंस्ड और नॉलेजेबल बट लेट अस से द पीपल कैन रिजॉल्व दिस डिफिकल्टीज क्लियरली सच ए प्लेस डज नॉट रिक्वायर इलेक्शन। तो डेमोक्रेटिक और भारत जैसे इतने बड़े देश में ये बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है कि विदाउट इलेक्शंस हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुन सके। और शायद ही कोई देश होगा ऐसा जहां पर डायरेक्टली कोई सिलेक्ट होकर जो है गवर्नमेंट में बैठा देते होंगे। हर कंट्री का एक प्रोसीजियर होता है। मोनार्कियल बहुत कम रह गई, पहले होता था राजा का बेटा राजा बनता था, उसका बेटा राजा बनता था, तो ये एक हेरिडिटरी सिस्टम चलती थी जिसका नतीजा ये होता था कि जो उनको सही लगा वही सही, जो उनको गलत लगा वही गलत, वो अपने हिसाब से जो ठीक समझे वो करते थे। उसमें लोगों की कोई राय, लोगों की कोई मत, लोगों की कोई एक्सपेक्टेशंस, लोगों की कोई एडवाइस, ऐसा कुछ भी नहीं होता था। इसीलिए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को फॉर्म किया गया। अब ये है कि बट वी कैन कॉल दिस ए प्लेस डेमो। हाउ वी फाइंड आउट इन द पीपल लाइक द रिप्रेजेंटेटिव नाउ, हाउ डू वी इंश्योर दैट दिस रिप्रेजेंटेटिव रूल एज पर द विशेस ऑफ द पीपल? हाउ टू मेक श्योर दैट दोज हु द पीपल डोंट लाइक डू नॉट रिमेन देयर रिप्रेजेंटेटिव? दिस रिक्वायर्स ए मैकेनिज्म बाई विच पीपल कैन चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव एट रेगुलर इंटरवल्स एंड चेंज देम इफ दे विश टू डू सो। दिस मैकेनिज्म इज नॉट इलेक्शन। देयरफॉर इलेक्शंस आर कंसिडर्ड एसेंशियल इन आवर टाइम्स फॉर एनी रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। अब अगर हमारे बीच के लोग नहीं हो तो वो हमारी प्रॉब्लम्स को कैसे व्यक्त करे? जो हमारे बीच का व्यक्ति है, जो हमारे साथ रहा हुआ है, जो हमारे सोसाइटी का आदमी है, उसी को ही पता है कि हमारी सोसाइटी में क्या प्रॉब्लम है। बाहर का आदमी कोई कैसे बताएगा? तो इसीलिए हमारे बीच का आदमी को, किसी भी आदमी को तो हम नहीं भेज सकते ना। हमको भी हमारे बीच से वही रेस्पॉन्सिबल आदमी को भेजना है जिसका हमको लगे कि वो अप्रोप्रिएट बंदा है, ये वो अप्रोप्रिएट व्यक्ति है जो ये सारे मसलों को सुलझा सकता है। किसी राह चलते को या किसी रिक्शे वाले को, कोई सब्जी भाजी बेचने वाले को तो हम एक बड़ा पोर्टफोलियो देके मिनिस्टर नहीं बना सकते ना।
हमको देखना पड़ेगा वो एडुकेटेड है कि नहीं, वेलिजिबल है कि नहीं, वो कोऑपरेटिव है कि नहीं। तो ऐसे लोगों को चुनने का हक हमको होता है, और ऐसे ही लोग जब चुनकर जाएंगे तभी जाके एक प्रॉपर डिसीजन वो अपने लोगों के फेवर में ले पाएंगे, तभी वो एक प्रॉपर डिसीजन अपने लोगों के, अपनी सोसाइटी के फेवर में ले पाएंगे। तो इसीलिए जो है वो इलेक्शन जरूरी है। दिस मैकेनिज्म इज कॉल्ड इलेक्शन, देयरफॉर इलेक्शंस आर कंसीडर्ड एसेंशियल इन आवर टाइम्स फॉर एनी रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। इन इलेक्शन द वोटर्स मेक मेनी चॉइसेस। इलेक्शंस में वोटर्स के पास में बहुत सारे चॉइसेस हैं। लक्ष्मी सुन रही कि नहीं? विशाखा क्या चैप्टर में ध्यान है ना? ओके, तो इलेक्शंस में लोगों के पास बहुत सारे चॉइसेस होते हैं, जैसे दे कैन चूज हु विल मेक लॉस फॉर देम। वो बिल्कुल उनको चुनने का अधिकार है कि कौन उनके लिए नियम कानून बनाएंगे। दे कैन चूज हु विल फॉर्म द गवर्नमेंट एंड टेक मेजर डिसीजंस। कौन गवर्नमेंट बनाएगा, कौन उनके फेवर में मेजर डिसीजंस लेगा, ये चुनने का उनको पूरा हक है। दे कैन चूज द पार्टी हुज पॉलिसीज विल गाइड द गवर्नमेंट एंड लॉ मेकिंग। और इसी के अनुरूप वो उस पार्टी को चुनते हैं जो पार्टी गवर्नमेंट को फ्रेम करे, गवर्नमेंट को प्रॉपर वे से चलाए, और एक उसके पास प्रॉपर गाइडलाइन या दिशा निर्देश हो देश को चलाने के लिए। तो ऐसी पार्टी को और ऐसे लोगों को हम चुनते हैं। अब है क्वेश्चन, व्हाट मेक्स एन इलेक्शन डेमोक्रेटिक? इलेक्शंस कैन बी हेल्ड इन मेनी वेज। ऑल डेमोक्रेटिक कंट्रीज होल्ड इलेक्शंस, बट मोस्ट नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज ऑल्सो होल्ड सम काइंड ऑफ इलेक्शंस। हाउ वी डू वी डिस्टिंग्विश डेमोक्रेटिक इलेक्शंस फ्रॉम एनी अदर इलेक्शंस? वी हैव डिस्कस दिस क्वेश्चन ब्रीफ इन चैप्टर वन। वी डिस्कस मेनी एग्जाम्पल्स ऑफ कंट्रीज वेर इलेक्शंस आर हेल्ड बट दे कांट रियली बी कॉल्ड डेमोक्रेटिक इलेक्शन। लेट अस रिकॉल व्हाट वी सिंपली देयर एंड स्टार्ट ए सिंपल लिस्ट ऑफ मिनिमम कंडीशंस ऑफ डेमोक्रेटिक इलेक्शंस। तो इलेक्शंस जो है वो डेमोक्रेटिक कंट्री में तो होते ही है, लेकिन कुछ एक नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज में भी इलेक्शंस होते हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है कि अगर नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज में भी इलेक्शंस होते हैं, तो जो डेमोक्रेटिक कंट्री में जो इलेक्शंस होता है वो नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री से अलग कैसे है? जो डेमोक्रेटिक कंट्री में इलेक्शंस होता है वो नॉन डेमोक्रेटिक से उस स्पेसिफिक कैसे है? तो ये क्वेश्चन होता है। फर्स्ट, एवरीवन शुड बी एबल टू चूज। दिस मींस दैट एवरीवन शुड हैव वन वोट एंड एवरी वोट शुड हैव इक्वल वैल्यू। डेमोक्रेटिक कंट्री का जो स्पेशल फीचर है, वन वोट वन वैल्यू, वन वोट वन वैल्यू। अब ये वन वोट और वन वैल्यू का मतलब क्या होता है? हमारे देश में कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो रिच हो, पुअर हो, इलिटरेट हो, लिटरेट हो, किसी भी लैंग्वेज, किसी भी रिलीजियन, किसी भी प्रांत से बिलोंग क्यों ना करता हो, सबकी वोट की समान वैल्यू है। यानी एक मिनिस्टर जो है वो नेता एक वोट से भी हार सकता है। दूसरी बात यह है कि जितने एक मुकेश अंबानी जी के वोट का वैल्यू है, उतना ही रोड पे एक रिक्शा चालक के वोट का भी वैल्यू वही है। तो ये दिखाता है डेमोक्रेटिक कंट्री की इलेक्शन प्रोसीजर और वोट की क्या डिफरेंट है, क्या वैल्यू है। सेकंड, देयर शुड बी समथिंग टू चूज फ्रॉम। पार्टीज एंड कैंडिडेट शुड बी फ्री टू कंटेस्ट इलेक्शन एंड शुड ऑफर सम रियल चॉइस टू द वोटर्स। अब ये पार्टी जो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज है और जो डिफरेंट पॉलिटिकल कैंडिडेट्स हैं, ये अब उन पे डिपेंड करता है कि
वो कैसे लोगों को अपने तरफ लाएंगे, वो कैसे लोगों को वोट देने के लिए आकर्षित करेंगे, वो ऐसे क्या स्पेशल फीचर्स, वो ऐसे क्या स्पेशल पोर्टफोलियोज लेकर आए या मुद्दे लेकर आए जिससे लोग वाकई इम्प्रेस हो और उस पॉलिटिकल कैंडिडेट को जो है वो अपना वोट दे। थर्ड, द चॉइस शुड बी ऑफर्ड एट रेगुलर इंटरवल्स, इलेक्शंस मस्ट बी हेल्ड रेगुलरली आफ्टर फ्यू ईयर। चॉइस जो है वो उनको टाइम टू टाइम मिलना चाहिए। अब चॉइस जो है वो टाइम टू टाइम मिलना चाहिए का मतलब उनको रेगुलर इंटरवल्स पे इलेक्शंस होना चाहिए, जरूरी है। मान लो आज मैं किसी कैंडिडेट को हम चुनकर मिनिस्टर बनाकर भेजते हैं और कल वही व्यक्ति मिनिस्टर बन जाने के बाद में अपनी मनमानी करता है, लोगों के भले के लिए, जनता के भले के लिए, किसी के भले के लिए वो कुछ भी नहीं करता है, तो फिर क्या करेंगे? इसीलिए हमारे पास ऑप्शंस होना चाहिए उसको चेंज करने का। तो एक फिक्स टाइम ही होता है जब तक वो अपने पद पे रह सकता है, जैसे हमारे देश में 5 ईयर्स। 5 ईयर्स के बाद में हमारे पास में पूरा पूरा चांस है कि अगर उसने अच्छा काम किया है, अगर वाकई उसने देश के लोगों के लिए काम किया है, लोगों के भले के लिए काम किया है, सोसाइटी में कुछ डेवलपमेंट किया है, तो हम उसको फिर नेक्स्ट सेशन के लिए अगले 5 साल देकर चुन सकते हैं। और मान लो कि उसने नहीं किया, उसने मिनिस्टर बनने के बाद मनमानी की, लोगों के लिए, सोसाइटी के लिए कुछ भी अच्छा काम नहीं किया, तो हमारे पास पूरा राइट है कि हम उसको चेंज कर दें, हम किसी दूसरा लीडर या कोई दूसरा कैंडिडेट को चुन ले, उसको मौका दे। तो ये एक तरीके का लोगों के पास में पावर है। इसीलिए ये चीज जो व्यक्ति चुनकर जाता है, जो व्यक्ति मिनिस्टर बन रहा है, वो इस बात को भली भांति जानता है कि अगर मैंने जो वायदे किए हैं उसके अनुरूप अगर मैं लोगों के काम नहीं करूंगा तो 5 साल के बाद लोग मुझे भी पद से हटा देंगे, और फिर भी मैं, और उसके बाद मैं भी एक कॉमन व्यक्ति, कॉमन मैन बनकर रह जाऊंगा। तो ये फियर फैक्टर जो है, इस फियर फैक्टर का उनको अंदाजा होता है और इस फियर फैक्टर के पीछे वो काम करते हैं। ठीक है। फिफ्थ, इलेक्शन शुड बी कंडक्ट इन फ्री एंड फेयर मैनर वेयर पीपल कैन चूज एज दे रियली विश। इलेक्शन जो हो वो फ्री और फेयर, उसमें किसी का कोई दबाव नहीं होना चाहिए, फ्री और फेयर वे में होना चाहिए, उसमें किसी का दबाव नहीं होना चाहिए। किसी का दबाव नहीं होना चाहिए का मतलब ये होता है कि कोई जबरदस्ती किसी को वोट नहीं दिला सकता, किसी को गन दिखाकर, किसी को डरा धमका कर, किसी को प्रलोभन देकर, लालच देकर, इस तरीके से वोट प्रैक्टिस ना हो। इसके लिए क्या होता है, ठीक इलेक्शन से पहले आचार संहिता लग जाती है। राशि का ईयरफोन लगा ले बेटा। इलेक्शन से पहले जो है वो आचार संहिता लगा जाती है। अभी आचार संहिता क्या होती है, इलेक्शन में जैसे इलेक्शन कंडक्ट होना होता है और जब तक रिजल्ट्स निकल कर नहीं आता तब तक सारे मिनिस्टर्स और पॉलिटिकल लीडर्स के पावर को फ्रीज कर दिए जाते हैं, यानी उस समय कोई भी मिनिस्टर पावर में नहीं होता। और ये इसलिए क्यों किया जाता है, ये इसलिए किया जाता है ताकि जो है कोई मिनिस्टर अपना दबदबा दिखाकर, अपना रसूख दिखाकर, अपना पावर दिखाकर वोट ग्रैब ना कर सके। तो इस तरीके से जो है ये आचार संहिता जो है लागू किया जाता है ताकि जो है फ्री और फेयर इलेक्शंस हो, बिना किसी दबाव, बिना किसी प्रलोभन के जो है वो एक फ्री और फेयर में जो है वो इलेक्शन प्रोसेस को कंटिन्यू या कंडक्ट कर
किया जा सके। अब ये आता है कि इज इट गुड टू हैव पॉलिटिकल कंपटीशन? क्या पॉलिटिकल कंपटीशन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? नाउ द क्वेश्चन अराइज कि पॉलिटिकल कंपटीशन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? इलेक्शंस आर दस ऑल अबाउट पॉलिटिकल कंपटीशन। दिस कंपटीशन टेक्स वेरियस फॉर्म्स। द मोस्ट ऑब्वियस फॉर्म इज द कंपटीशन अमंग पॉलिटिकल पार्टी। एट द कॉन्स्टिट्यूएंसी लेवल इट टेक्स द फॉर्म ऑफ कॉम्पिटिशन अमंग सेवरल कैंडिडेट। इफ देर इज नो कॉम्पिटिशन इलेक्शन विल बिकम पॉइंटलेस। देखो कॉम्पिटिशन, जब भी कॉम्पिटिशन होता है तो बेटर रिजल्ट निकल कर आते हैं। अगर कॉम्पिटिशन ना हो तो कोई विनर भी ना हो और कोई लूजर भी ना हो। इसलिए कॉम्पिटिशन जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। जब कॉम्पिटिशन होता है तभी जाके उसमें से कोई विनर जो है वो निकलता है। तो कंपटीशन में देखना, हमेशा आदमी अपने से बेटर करने की कोशिश करता है। स्पोर्ट्स कंपटीशन हो रहा है, एक रनिंग रेस हो रही है, तो हर एक कैंडिडेट जो है वो ज्यादा से ज्यादा फास्ट दौड़ने की कोशिश करेगा। क्रिकेट में मैचेस होते हैं टू पार्टीज में, तो उसमें हर बैट्समैन अपने तरफ से बेटर परफॉर्मेंस करने की कोशिश करता है, हर बॉलर अपने तरफ से बेटर परफॉर्मेंस करने की कोशिश करता है, एंड ओवरऑल द होल टीम ट्राइज टू गिव अ गुड एंड हेल्दी कॉम्पिटिशन। सो दैट इज ऑल अबाउट कॉम्पिटिशन, की कॉम्पिटिशन बिल्कुल होना चाहिए। नाउ पॉलिटिकल पार्टीज, जब पॉलिटिकल पार्टीज में कॉम्पिटिशन होता है तो हर एक पॉलिटिकल पार्टी अपने तरफ से बेस्ट परफॉर्म करने की कोशिश करती है। वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट पोर्टफोलियोस बनाने की कोशिश करती है, कैंडिडेट्स जो है वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट फीचर रखने की कोशिश करते हैं। तो ये जब कंपटीशन होगा तभी जाके एक बढ़िया इलेक्शन का माहौल जो है वो तैयार होगा। बट इज इट गुड टू हैव पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन? क्लियरली एन इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन हैज मेनी डिमेरिट्स। इट क्रिएट्स ए सेंस ऑफ डिसयूनिटी एंड फैक्शनलिज्म इन एवरी लोकेलिटी। यू वुड हैव हर्ड ऑफ पीपल कैंपेनिंग फॉर पार्टी पॉलिटिक्स इन योर लोकेलिटी। डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज एंड लीडर ऑफन लेवल एलिगेशंस अगेंस्ट वन अदर। पार्टीज एंड कैंडिडेट्स यूज डर्टी ट्रिक्स टू विन इलेक्शंस। सम पीपल से दैट दिस प्रेशर टू विन इलेक्टोरल फाइट्स डज नॉट अलाउ सेंसिबल लॉन्ग टर्म पॉलिसीज टू बी फॉर्मुलेटेड। Some good people who may wish to serve the country do not enter this arena. They do not like the idea of being dragged into unhealthy competition. अब एक चीज देखी गई है कि हमारे देश में ये कॉम्पिटिशन के चक्कर से बहुत सारे इलीगल प्रैक्टिसेस शुरू हो जाते हैं। अब स्पोर्ट्स में हम एक हेल्दी वे में कॉम्पिटिशन करते हैं, एक दूसरे को कम्पीट करने की कोशिश करते हैं, अच्छे से अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं। पॉलिटिकल कंपटीशन में देखा गया है कि लोग जो है हमेशा एक दूसरे की बुराई करते हैं। हमेशा एक लीडर वो सामने वाले लीडर को बुरा बताता है, वो उस पर लांछन लगाता है, वो उस पर कई आरोप लगाता है, वो लीडर फिर दूसरे लीडर पे आरोप प्रत्यारोप लगाता है, तो ये सिलसिला चला रहता है। दूसरा हमने देखा है कैसे होता है कि इलेक्शंस में बहुत सारे अनफेयर प्रैक्टिसेस होते हैं। कई जगह पर क्रिमिनल्स जो है वो डरा धमका कर लोगों को वोट दिलाते हैं। बाहुबली जिसको राजनीति कहते हैं, दबंगाई राजनीति कहते हैं, स्पेशली स्टेट्स लाइक यूपी बिहार ऐसे जगह में कई सारे ऐसे पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं जो एक लॉन्ग क्रिमिनल बैकग्राउंड से होते हैं, जिनका एक लंबा क्रिमिनल हिस्ट्री होता है। अब वो क्रिमिनल बैकग्राउंड होने की वजह से, वो क्रिमिनल हिस्ट्री होने की वजह से जो है लोग उनसे डरते हैं। डर के मारे इनोसेंट्स लोग या वो लोग जो लोग पॉवर्टी लेवल में जी रहे हैं वो लोग ब्लाइंडली जो है ऐसे गलत लोगों को वोट दे देते हैं, और ऐसे गलत लोग जब चुनकर आते हैं गवर्नमेंट में या मिनिस्टर बनते हैं तो वो गलत और अनफेयर प्रैक्टिसेस ही चलाते हैं। दूसरा ये भी देखा गया है कि कई लोग इलिटरेट हो या कई लिटरेट लोग भी मामूली से कुछ प्रलोभन के खातिर किसी को भी वोट दे देते हैं,
लोग पैसों से वोट खरीद लेते हैं, किसी को भी 1,000-2,000 दे दिए, कहा ये हमारा कैंडिडेट है इसको वोट दे दो, हम सिर्फ 1,000-2,000 रुपए के लिए उसको अपना वोट दे आते हैं। इस तरीके से गलत लोगों को हम जो है वो मिनिस्ट्री में बैठा देते हैं, और उसका रिजल्ट क्या होता है कि जब ऐसे गलत लोग चुनकर आते हैं मिनिस्ट्री में तो वो गलत प्रैक्टिस ही चलाते हैं। Our constitution makers were aware of these problems, yet they opted for free competition in election as the way to select our future leaders. They did so because this system works better in the long political run. In an ideal world, all politicians know what is good for the people and are motivated only by a desire to serve them. Political competition is not necessary in such an ideal world, but that is not what happens in real life. Political leaders all over the world, like all other professionals, are motivated by a desire to advance their political careers. They want to remain in power or get power and positions for themselves. They may wish to serve the people as well, but it is risky to depend entirely on their sense of duty. Besides, even when they wish to serve the people, they may not know what is required to do so, or their ideas may not match what the people really want. अब देखो क्या होता है कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो ये चीजें ध्यान में थी, लेकिन क्वेश्चन ये भी था कि इससे बेटर कोई ऑप्शन नहीं था लोगों के पास में अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनने का। अब ये अनफेयर प्रैक्टिसेस क्यों होते? कई लोगों का जो मोटिव होता है वो होता है कि सत्ता में आना, गवर्नमेंट में आना, एक पावर हासिल करना। कई क्रिमिनल्स ऐसे आते हैं जो सोचते हैं कि हम पावर में आने के बाद में हर तरीके का अपना जो है इलीगल प्रैक्टिसेस को कैरी आउट कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो है उनका मोटिव रहता है कि पावर में आना, पोस्ट होल्ड करना। तो जो लोगों के भलाई के लिए काम करना है या ह्यूमैनिटी के लिए काम करना है, वो तो ऐसे कई लोग होते हैं वो इसको इन चीजों से परे होते हैं, ये चीजें उनके दिमाग में नहीं होती है। प्लस एक चीज और है कि लोग ये सत्ता हासिल करने में ऐसे अनफेयर प्रैक्टिसेस में एंगेज हो जाते हैं कि जिसकी वजह से जो है वो जो कार्य करना चाहते हैं उसको भी नहीं कर पाते। तो ये सारे इश्यूज हैं जिसकी वजह से जो है इस तरीके के अनफेयर प्रैक्टिसेस होते हैं, और इसी अनफेयर प्रैक्टिसेस की वजह से जो है लोग डिबेट हो जाते हैं। गौरव ईयरफोन लगा लो, साफ सुनाई देगा। हाउ डू वी डील विद दिस रियल लाइफ सिचुएशन? वन वे इज टू ट्राई एंड इंप्रूव द नॉलेज एंड कैरेक्टर ऑफ पॉलिटिकल लीडर्स। द अदर एंड मोर रियलिस्टिक वे इज टू सेट अप ए सिस्टम वेयर पॉलिटिकल लीडर्स आर रिवॉर्डेड फॉर सर्विंग द पीपल एंड पनिश्ड फॉर नॉट डूइंग सो। सो हु डिसाइड्स दिस रिवॉर्ड और पनिशमेंट? द सिंपल आंसर इज द पीपल। दैट इज वॉट इलेक्ट्रल कॉम्पिटिशन डज। Regular electoral competition provides incentives to political parties and leaders. They know that if they raise issues that people want to be raised, their popularity and chances of victory will be increased to next election. But if they fail to satisfy the voters with their work, they will not be able to gain again. So, इस तरीके से जो है कोई political leader अगर काम नहीं करता है properly, उसको punishment होना चाहिए। और कोई पॉलिटिकल लीडर अगर अच्छे से काम कर रहा है उसको रिवॉर्ड देना चाहिए। अब ये रिवॉर्ड देना या पनिशमेंट देना कौन देगा उसको? इसीलिए ये इलेक्शन प्रोसेस को कॉन्टेस्ट किया गया है। ये इलेक्शन के प्रोसीजर को इसीलिए हम फॉलो करते हैं कि अल्टीमेटली रिवॉर्ड भी लोग देंगे और पनिशमेंट भी लोग ही देंगे। कैसे देंगे कि मान लो अगर वो अच्छा काम किया है तो उसको नेक्स्ट टाइम फिर हम वोट देकर चुनेंगे, और अगर उसने अच्छा काम नहीं किया है तो नेक्स्ट में हमारे पास कई ऑप्शंस, हम किसी और को चुन लेंगे। जैसे मैंने पहले भी तुमको बताया था, हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, ये उनका सेकेंड टर्म ऑफ प्राइम मिनिस्टर है। पहले वो 5 साल के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे, वापिस इलेक्शन हुआ, लोगों को लगा कि उन्होंने अच्छा काम किया, लोगों को लगा कि ये पर्सन जो है वो बिल्कुल एलिजिबल है हमारे देश को चलाने के लिए। तो लोगों ने उनको फिर सेकंड टाइम के लिए वापस प्राइम मिनिस्टर चुना, और अब वो अपना प्राइम मिनिस्टर का जो है वो सेकंड टर्म जो है वो कंटिन्यू कर रहे हैं। तो इस तरीके से जो है
इलेक्शंस हमारे पास में एक फ्री एंड फेयर ऑप्शंस है जिसके तहत में हम रिवॉर्ड भी दे सकते हैं अपने लीडर्स को दोबारा चुनकर, और पनिशमेंट भी दे सकते हैं उनको अपने पद से हटाकर, उनकी जगह किसी भी दूसरे को चुनकर। तो दैट्स इट फॉर टुडे। आज हमने पेज 37 तक कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट क्लास विल स्टार्ट दिस चैप्टर फ्रॉम 38 एंड फिर इसको आगे हम कंटिन्यू करेंगे। सबने नोटबुक्स बना लिया है ना एसएसटी की? वर्क कर रहे हो क्वेश्चन आंसर? ओके।